Hi, I'm Sana Maqbool and you're watching me on Filmy Beats. But what do you think about polygamy in your situation? मैंने आपको बोला ना मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अच्छा एल्विश मुझे कह रहे हैं कि मुझे सना मकबूल विनर मटेरियल लगती है. आप समझ रहे हो? ही आल्सो केम इन सपोर्ट फॉर मी. जी क्या बोलेगा वो वही जानते हैं हैप्पी जैसे बमाई जीत गई उसको और वो है ही नहीं लाइक नोबडी डिड दैट. Nobody. And I felt bad. You could have done is clap for me. Ranveer ji also said it, and he's been going gaga about the fact that she brought my kid up. She brought my divorce up. She brought my ex-wife up. उनकी दुनिया शुरू पायल गोलू अरमान से होती है, अरमान गोलू पायल से होती है. उनकी दुनिया है. They're very happy. I don't like Sai, and I still feel he's not deserving to sit in top five. Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat and हमारे साथ हैं Big Boss OTT Season 3 की विनर सना मकबूल. सना बहुत बहुत congratulations. इतने बड़े reality शो में survive करना एंड फिर जीतना बहुत बहुत बधाइयाँ उसके लिए. मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप घर के बाहर आ गए हो, अब बहुत कुछ अच्छा भी सुना होगा अपने बारे में, जो शायद आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतना अच्छा कुछ सुनने मिल रहा है. और शायद ऐसा भी कुछ आपको सुनने मिला होगा या देखने मिला होगा वेर यू आर अ बिट शॉक्ड कि यू आर नॉट ओके विद दैट, यू नो, जो आपको सुनने मिला है देखने मिला. आई वॉन्ट टू नो वन थिंग विच हैव मेड यू रियली हैप्पी एंड वन थिंग विच कैन बी एनी थिंग विच इज लाइक यू स्टिल एबल टू यू नो डाइजेस्ट इट बट नॉट इन अ वेरी गुड वे. सो विल स्टार्ट विद अ गुड थिंग. आई विल टेल यू वन थिंग, अभी तक मैंने तो कोई बुरा नहीं सुना, बट गलत अच्छा तो बहुत सुना है, गलत इतना कुछ नहीं सुना. बट जो मेरे अपने जो मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे एक चीज पॉइंट आउट करी. ओके. जो आई डोंट नो बहुत लोगों को वो साइड ऑफ स्टोरी पता है कि नहीं पता है, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट ऑन अ टॉपिक वेयर रणवीर जी आल्सो सेड इट एंड हीज बीन गोइंग गागा अबाउट द फैक्ट दैट शी ब्रॉट माय किड अप, शी ब्रॉट माय डिवोर्स अप, शी ब्रॉट माय एक्स वाइफ अप. First of all, I want to say that I never bought that beautiful lady. I love that lady. Okay. मैंने कभी उनको लाया नहीं. तो wife की बात तो आप हटा दो, because I feel she's happy, she's good in her space. But बच्चे की बात, yes, मैंने लाई. मेरा बच्चा US में है, मैं तो you know my son is not there. That's why I'm here. ऐसा ऐसा. Okay. He kept on saying from the day one about his son. He's 13 years old. He's been going and telling his story to a lot of people. And yes, I mean, I had this thing against him for a really long time. And I found that situation or that moment where I had to, you know, I can let everything out for him. I did, but I never went very wrong. मैंने कभी उनके डिवोर्स के टॉपिक को मैंने कभी ये नहीं बोला. मैंने अपने स्टेटमेंट में मैं ये जरूर बोलूँगी कि मैंने बोला आपका बेटा तो 13 साल का सर 25 लाख रुपए जीत के आप क्या करोगे, तो कॉलेज की फीस भी नहीं आती. और नहीं आती यार, आजकल सब हाई हो गया है. आजकल प्राइसेस आर वेरी हाई. मैंने कहा सर इतने में तो होगा भी नहीं. और कब हुआ था आपका कुछ हुआ था, 5 से 6 साल का उम्र का था ना. मैंने ये चीज बोली. तो इफ ही हैज रिलेटेड दैट थिंग टू द डिवोर्स देन दैट्स हिज मेंटालिटी नॉट माइन. आई नेवर यूज्ड दैट डिवोर्स वर्ड. एंड हैविंग सेड दैट He showed me your middle finger. And I kept saying, I said, you're showing me the middle finger. He's like, yeah, better chap logo ko you deserve. He said that to me. And I said, okay, then take it back. And I also showed him the middle finger. Right. So it's a give and take. But I have not heard anything wrong about this whole mine and Ranveer's this. Because people who know me, they know for the fact that she gave him back. She's not somebody to listen and keep quiet. Right. But even when it's audience, I have not got any hate. This on my page. Okay. Trust me, I have. I've been seeing good flashbacks, good memories, good people are on my gram. So at least I'm seeing that. Right. I don't know about his gram, but my gram I've been seeing that. Right. So yeah, and show khatam ho gaya hai. If he expected something out of me, that's his expectation. I'm not here to fulfill that. But tell me the one thing. I'm sure you've received a lot of love. Everyone is seeing that. But एक ऐसी चीज़ जो आपने देखी and you feel like immensely grateful for that, वो क्या होगा? The bond between me, Maisie, Shivani, Vishal and okay. that friendship, that bond, I want to cherish it for that. But you know, I don't know if you have come across this or not. But जब initially आपकी love के इश्क़ और विशाल की you know जो दोस्ती थी
तो लॉट ऑफ फैंडम्स एंड व्यूअर्स कंपेयर्ड यू टू एल्विश, मनीषा, अभिषेक, उनकी जो यू नो इतनी दोस्ती फेमस हुई थी सीजन टू में, तब से यू नो कंपेयर किया. सो हैव यू कम अक्रॉस, एंड इवन इफ यू हैव नॉट, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट यू नो ये जो दोस्ती का कंपेरिजन? सी मेरा ऐसा दोस्ती का होता है कंपेरिजन, जब आप एक वाइब देते हो तो अगर वो वाइब किसी की वाइब से मैच करती है तो ऑफकोर्स कंपेरिजन होंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट सीजन, दिस इज द थर्ड सीजन. बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी दोस्ती इनके साथ ग्रो हुई. ओके, मेरी उनकी दोस्ती ऐसे होके खटाक से नहीं हुई. दे ऑल्सो हैड डाउट्स अबाउट मी. आई नेवर हैड डाउट्स फॉर एनी ऑफ देम, बिकॉज मैं समझती थी, ये शायद मैं थोड़ी डिफिकल्ट पर्सन हूँ समझने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझे समझ नहीं पा रही. बट जब ये मुझे समझे, इन्होंने मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा. आप समझ रहे हो, दे स्टूड बाय मी लाइक अ रॉक. Like a pillar. These two boys were there. Even Nazi, people came and pointed at him. People came and said, ये तुझे use कर रही है, दूध पिला रही है, ये कर रही है, lollipop छिटका रही है. Lot of demeaning things they told me. But these boys, they heard me. Right. They did. They didn't hear. किसी को सुनाने कितना. रणवीर जी ने तो विशाल को ये भी बोला कि तेरे प्यार व्यार हो गया. Is that the word you use? Come on. Right. See, I have a life outside. You have a life outside. Vishal has a life. Why do you want to comment on something, or why you want to go on that angle when there is nothing? Right. But you know, the good part is that your friends are taking your stand even outside the house, whether it is Lavkesh Kataria. You know, he said that definitely, you know, Sana is the deserving winner, although he was a bit disappointed from his eviction. Of course, even I was disappointed that he got evicted, but his eviction was not on janta ka pyar. His eviction was on the ghar wale. मुझे ये बताइए, जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर लवकेश जीतते तो सबके मन में कहीं ना कहीं ये रहता कि गेम्स की वजह से नहीं, एल्विश के फैंस, अभी एल्विश के फैंस की वजह से जीतते, तो ये सही हुआ कि वो एलिमिनेट हो गए? क्योंकि अगर वो जीतते भी तो वो जीत होंगे. आई एम वेरी ऑनेस्ट टू टेल यू व्हाट आई फील अबाउट द होल सिचुएशन. डेफिनेटली बीइंग अ फेमस फ्रेंड इज नॉट रॉन्ग, इट्स ओके, राइट? बट अगर आप देखोगे, लवकेश को वीक वन में ही उसको बोला था कि आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो. लवकेश ने ये चीज बोली हाथ जोड़ के कि मैं सारे भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे देखो, राइट? एल्विश के फैंडम से मत. तो ये चीज बहुत डे वन से क्लियर थी. तो लवकेश अपने लिए खेल रहा था. यस, उसे प्यार बाहर से मिल रहा था, पर लवकेश को क्या मतलब, उसको प्यार मिल रहा था. वो एल्विश का फैंडम का प्यार, वो एल्विश का प्यार उसको खुद मिल रहा था. आई वुड लाइक टू से इट लाइक दैट. एल्विश उसके दोस्त है, एंड व्हाई नॉट अ फ्रेंड सपोर्टिंग हिज ओन फ्रेंड? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इसमें क्या गलत है? कल को अगर कोई बड़ा स्टार मेरा दोस्त, अगर वो मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये बोलोगे कि उसके फैंडम ने मुझे वो किया? नहीं, कई हद तक मैंने भी तो कुछ चीजें की, राइट? कुछ चीजें की है जो मैं दर्शा मतलब लोगों को पसंद आई. मुझे मेरे लिए भी बोला यार, बहुत लोगों ने बोला. मेरे भी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे सपोर्ट में बोल दिया. ऑन द सेम नोट, एक्चुअली हैव अ क्वेश्चन. यू नो, डेफिनेटली इट्स योर गेम, एंड आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, बट ग्रैंड फिनाले में भी मैंने कहा था कि मुनावर के फैंडम का कंट्रीब्यूशन है, बट इट्स अ कंट्रीब्यूशन, इट्स नॉट लाइक दे आर यू नो क्रेडिट. बट व्हेन यू हियर सच स्टेटमेंट्स, ओके, दैट बिकॉज मुनावर यू नो पोस्टेड फॉर यू, दैट इज द रीजन आपको इतने वोट्स मिले, एंड दैट इज प्राउड. आई एम प्राउड, इट डजंट बॉदर यू? इट डजंट बॉदर मी. मैं वही बोली ना, मैं उसको डिफरेंट लाइट में देखती हूं. आई एम सो प्राउड फॉर द फैक्ट दैट अगर मेरा दोस्त मेरे लिए खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? ओके, राइट? सो आई सी इट इन अ वेरी गुड लाइट. मैं एल्विश को भी नहीं जानती थी. आई वुड अगेन सी, मैं ये मुझे नहीं पता था, मैं बाहर आके ये देखी. मैं एल्विश को भी नहीं जानती थी. मैंने फिनाले वाले दिन एल्विश का एक बोला था, मैं क्योंकि मैंने इसलिए बोला था, मुझे लगा शायद लवकेश के फैंडम ने मुझे वो किया. ओके, और जब मैं बाहर आती हूँ, मैं एक, एक, एक वीडियो मैंने देखा जहाँ एल्विश मुझे कह रहे हैं कि मुझे सना मकबूल विनर मटीरियल लगती है. वो फर्स्ट एपिसोड के टाइम में जब मेरी एंट्री उन्होंने तब बोला था, तो आप समझ रहे हो, ही आल्सो केम इन सपोर्ट फ्रॉम मी. जी, पूरी टीवी इंडस्ट्री मेरे बारे में बोली है. तो आप समझ रहे हो, प्यार सबने दिया है, सबने, जनता ने दिया, आपने दिया. एज अ वुमन यू लाइक मी, एज ही लाइक मी, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल. सबके चॉइसेस होते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, सबके ओपिनियंस होते हैं. वो उनका ओपिनियन, बट इट शुड नॉट, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं. तो लवकेश को वेरी वेल पता था कि नहीं, मैं यहाँ पे खुद आया हूँ, खुद के बलबूते पे आया हूँ.
और उसने वो फर्स्ट में किया भी था, उसने मुझसे पूछा भी था ये कि ये जो मेरे से करवाया गया तुझे लगता है अच्छा? मैंने बोला दे वांट यू टू बी योरसेल्फ, दे वांट यू टू हैव योर ओन आइडेंटिटी, राइट, एंड दैट्स व्हाट ही डिड. आज लवकेश कटारिया जाना जाता है लवकेश कटारिया के नाम से, एंड दैट्स द ब्यूटी. सो कौन किसके सपोर्ट में आए, क्यों नहीं आएंगे यार, दोस्त है. कल दोस्तियां कमाई है तो बहुत ही नेचुरल चीज है. आप अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आप किससे एक्सपेक्ट करोगे. जी जी. व्हाट आई रियली लाइक इज दैट मेजी इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज आल्सो स्टेटेड, यू नो आई थिंक देयर वाज सम क्वेश्चन आस्किंग अबाउट आपके जो भी फाइट्स हुए, एंड देन मेजी रिप्लाइड दैट यू नो इवन अरमान एंड रणवीर शुड बी माइंडफुल. उन्होंने भी बहुत यू नो कहा है वैसे. सो मेजी मुझे हमेशा आई वांट टू पुट दैट, यस मेजी मुझे एक बार ना बहुत बोला, बोला बमा यार तुम कैसे लेते हो, तुम कैसे बोलते हो. जी. तो मैंने उसको मैं हम लोग की एक स्लैंग लैंग्वेज, मैंने कहा बमा तुमको पता है मैं ठसती नहीं ठसती मतलब मैं सप्रेस नहीं, मैं दबती नहीं. ओके. तो मैंने कहा बमा तुमको पता है मैं ठसती नहीं, ये लोग ना ये लोग ठसाते मुझे बहुत है बट मैं ठसती नहीं, इनको ये चीज ट्रिगर करती तो नेजी. जब नेजी जो दिल वाला बंदा है, दिल का बंदा है, सच्चा है, वो जब ऐसा बोल सकता है, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग टू मच हो रहे हैं आपके साथ. तो राइट. तो देखो बताइए, आपने अगर वो इंटरव्यू अगर नेजी का सुना, अगर इस बारे में बात कर सकते हैं तो यू नो ऑफ कोर्स मीडिया जब हम घर पे भी आए थे तो अ लॉट ऑफ पीपल टीज नेजी एंड यू यू नो ऑन दिस थिंग, एंड नेजी का जब इनफैक्ट इंटरव्यू हुआ था ग्रैंड फिनाले में तो उसने उन्होंने तभी भी बोला था नहीं मैं कुछ तो बोलूंगा सना को, तो कुछ बोला नहीं बोला क्या बोलेगा वो वही जानते हैं. बमाई जीत गई उसको और वो है ही नहीं, लाइक वेरी वेरी हैप्पी दैट उसकी फ्रेंड जीती है एंड ही सेड कि अपनी बमाई जीती है. राइट. मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी बमाई जीती है. नहीं नॉट दैट, डू यू रिमेम्बर जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तब उसने कहा था कि कुछ ऐसी बातें सना को जो मैं घर के बाहर जाके बोलूंगा, अभी नहीं बोल सकते. इफ यू रिमेम्बर दैट. तो वो बात नहीं थी, वो ये बात थी अबाउट हिज लाइफ. अच्छा. ओके. ही वांटेड टू टेल मी व्हिच ही कैन नॉट टेल मी, सो ही वांटेड टू टेल मी हिज स्टोरी. ओके. बिकॉज़ आई वाज वेरी क्यूरियस, आई वांट टू नो व्हाट इज नेजी, क्योंकि मैं हमेशा उसको बोलती थी कि नेजी तेरा इसके बाद तेरा 2.0 वर्जन आना चाहिए. तो मैं उस पे, बट मुझे वो 0.1 वाला वर्जन जानना. राइट. तो ना बाहर मिलना, मैं बाहर बताऊंगा. But he does have a liking towards you, which is not wrong. But you, I think he, sure more than liking, I think he liked my personality, the way I am, and he was very proud कि यार तू दम वाला, तेरे में दम है बमाया. वो day one से बोलता था कि तू मस्त है, मस्त. But don't you think this liking, that's like what you feel? Of course, it's his perception. But ऐसा कभी आपको लगा? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा. मुझे कभी नहीं लगा. मेरी और उसकी जो दोस्ती थी, वो बहुत सच्ची थी और बहुत pure थी. And yeah, मुझे कभी नहीं. Okay. लास्ट टू क्वेश्चन. एक चीज बहुत चल रही है कि जब आपने ट्रॉफी लिफ्ट की, नो वन केम ऑन द स्टेज टू ग्रीट यू. नाउ साई की जो रूमर्ड गर्लफ्रेंड है, शिवांगी या बेस्ट फ्रेंड जो भी है, उन्होंने लिखा कि मेकर्स ने सबको मना किया था कि स्टेज पे मत जाओ क्योंकि उनको शायद एक विजुअल चाहिए था आपका. क्या वही रीजन था या फिर मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मेरा भी वही सेम रिएक्शन है, मैं भी वही आंसर ढूंढ रही हूँ. बट मैंने भी वही, उन्होंने ट्वीट किया था, साई की जो गर्लफ्रेंड है जी, उन्होंने ट्वीट किया था कि वी वर आस्क्ड बाय द मेकर्स, या मेकर्स कि आप उठेंगे नहीं. बट मेरा ये था कि जिनको उठना था वो तो उठ गए, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, एंड मुझे चाहिए था कि मतलब सी यस आई डिड फील बैड कि व्हाई नोबडी इज गेटिंग, व्हाई नोबडी इज हैप्पी, व्हाई नोबडी इज क्लैपिंग फॉर मी, बट नोबडी क्लैप फॉर मी एक्सेप्ट दोस थ्री पीपल, लवकेश, शिवानी एंड विशाल. जो वहां ताली तो बजा ही सकते थे. नोबडी डिड दैट, नोबडी, एंड आई फेल बैड. यू कुड हैव, लीस्ट यू कुड हैव डन इज क्लैप फॉर मी, यू शुड हैव शावर्ड मी द लव यू नेवर डिड, बिकॉज़ समवेयर यू वर नॉट हैप्पी. बट इट्स ओके, आई डोंट सी दैट as a negative light or anything. मुझे भी ये चीज़ बाद में पता चली कि we were instructed not to get up, but ठीक है, मुझे उसकी reality पता नहीं है, so I will not comment. But मैं चाहती थी कि वो trophy में विशाल, शिवानी, लवकेश और नेजी से उठा, एक moment हमारा हो, but वो हो नहीं पाया नेजी के साथ, but वो moment ज़रूर हुआ. And I was very happy. मैंने नेजी को बोला था कि मैं जीतू तू जीते, खुशी तो मुझे होगी, बाकी कोई और जीता तो शायद. बट या ओके, लास्ट टू क्वेश्चन. Now I really liked you, you know, that for that one scene where you asked Arman कि अगर पायल ऐसा करती, and a lot of people appreciated. I'm sure जिनको शायद आपकी गेम उतनी नहीं भी पसंद होगी, उन्होंने भी आपको बहुत प्यार दिया था for that one statement. Now tell me something, Mahi, which is a very good friend of yours, if I'm not wrong, and उन्होंने एक interview में कहा था
अरमान के टॉपिक पे ही कि इफ थ्री पीपल आर ओके इन दैट सिचुएशन, कुछ गलत नहीं है. व्हाट आई वांटेड टू आस्क फर्स्ट, बिकॉज आप उस घर में रह के आई है, बहुत लोगों को, एक लोगों को लगता है कि दिस थ्री आर जेन्युइनली हैप्पी विद ईच अदर, कुछ लोगों को लगता है दे आर ईच अदर जस्ट फॉर मनी एंड व्यूज. What is it, your honest, आपने जो feel किया? I think they're genuinely happy with each other. Okay. Even I felt that they are obsessed with each other. They are really obsessed. They are into each other. उनकी दुनिया शुरू पायल गोलू अरमान से होती, अरमान गोलू पायल से होती. ये उनकी दुनिया है. They're very happy. Yes, I am a little curious personality and I'm very today's woman. So मेरे को ये था कि अगर आप कर सकते हो, तो अगर वो करती है, तो आपका reaction क्या है? बट देन उन्होंने जो वो किया, उन्होंने अच्छे वे में जवाब नहीं दिया था, तो मेरे को मेरा आंसर जरूर मिल गया था. बट देन इन माय हेड मैंने ये सोचा कि मियां बीवी राज है तो क्या करेगा काजी, एंड दे आर हैप्पी, सो इट्स नॉट माय प्लेस टू टॉक. तो मैंने उस मुद्दे को, उस टॉपिक को इतना बढ़ाया नहीं, क्योंकि मुझे जो उनके बारे में जानना था मैं जान चुकी हूँ, राइट. मैंने उनसे वो क्वेश्चन करके मुझे उनकी पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी ट्रेट पता चल गई. बट मेरा ये उसमें उस इस पूरे सिचुएशन में मैं ये बोलूँ कि जब वो लोग आपस में खुश है तो हम कौन होते हैं बोलने, राइट. उनकी लाइफ है, हम, दे आर नॉट कमिंग इन माय हाउस, आई एम नॉट गोइंग इन देयर हाउस, बट दे आर हैप्पी विद ईच अदर, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी हैप्पी. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉलीगैमी इन योर सिचुएशन एज एन इंडिविजुअल? अगेन आई डोंट नो, इट्स अ वेरी न्यू कांसेप्ट. नो, बट आई एम आस्किंग फॉर योरसेल्फ, ऑफ कोर्स एवरीवन हैज अ डिफरेंट परसेप्शन. अगेन एज आई सेड, मैंने आपको बोला ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, सो ओके, आई एम, मेरे लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो या बट वही है कि मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा टॉपिक नहीं है, खुश है तो मैं क्यों बीचूं, मेरे को चलती ट्रेन में नहीं चलती, राइट. सो द लास्ट क्वेश्चन, साई एंड रणवीर आर द टू पीपल हु हैव ओपनली सेड एंड कम दैट यू नो वी फील सना इज नॉट डिजर्विंग. Do you think it's high time that they should be a gentleman and accept? Oh, I think today some video came out and they contradicted their own statement. But the कह भी आया contradict करना यार. वो उनकी personality है, मेरी नहीं. मैं तो day one से मुझे I don't like Sai and I still feel he's not deserving to even sit in top five. But उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा जो वो वहाँ तक पहुँचे. And रही बात रणवीर जी की, तो मैं उन्हें winner बोलती थी. मैंने अगर आप मेरा देखोगे, मुनावर ने मुझसे पूछा था, हु डू यू सी एज अ टॉप थ्री, एंड आई वाज वेरी वोकल आपके राउंड में भी मैंने बोला. हाँ, sure, sure. तो मैंने रणवीर की जर्नी, अगर मैं रणवीर जी की जर्नी, अगेन है तो लोग बोलेंगे रिस्पेक्ट नहीं करती, मैंने रणवीर जी की जर्नी अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. उन्होंने अपने स्टैंड, अपना झगड़ा, अपना मुद्दा जो भी है, की जहाँ उनको बोलना उन्होंने बोला, एंड नेजी दिल से सच्चे थे, तो मुझे लगा कि ये सच्चे थे, अपने मुद्दों पर बोला है उन्होंने, ऐसा नहीं है लोगों से कैसे भी रहे, बट ही वाज राइट, वेल ही वांटेड टू स्पीक, ही स्पोक, बस ओके, एंड आई फाउंड माय सेल्फ एज अ टॉप थ्री कंटेस्टेंट, आई वांटेड मी, राइट, ओके. अ मैसेज टू ऑल द गर्ल्स स्पेशली हु आर बोल्ड, हु आर ब्लंट, एंड आई ऑफन टर्म्ड एज सेल्फिश, बोलो क्या बोलोगे? सेल्फिश की तो नहीं है, बट यस, यू लव योरसेल्फ, देयर इज नो हार्म इन लविंग योरसेल्फ. मैं तो बोलूंगी लड़कियां, क्या लड़के भी अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ये जो मैं वाला वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको अपने आप को पहले रखना है कोई भी सिचुएशन लाइफ में. कीप योर सेल्फ फर्स्ट, सिचुएशन को समझो. आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम ब्लंट से सोचो, समझो कि मैं इसकी जगह होती तो क्या करती, ये मेरी जगह होती तो क्या करती, और मैं अगर इसकी जगह होती तो क्या करती. कीप योर सेल्फ फर्स्ट एंड लविंग योर सेल्फ, देयर इज नो हार्म, एंड बीइंग सेल्फिश इज ऑल्सो नो हार्म. सो ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर एंड एवरीबॉडी आउट देयर, मैं अपनी फेवरेट हूँ और आप अपनी फेवरेट हमेशा रहो. थैंक यू सो मच गाइस, एंड सना, इट वाज लवली इंटरव्यू. थैंक यू सो मच, टेक केयर.